अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल मटन, जो कि बहुत ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपी है। इसे आप तंदूरी रोटी और नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और ये ढाबे जैसी रेसिपी आप बिल्कुल घर पर भी बना सकते हैं, और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितने कम मसालों में ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कुकर में मैंने तेल ले लिया है, और इसमें एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची और दो से तीन लौंग डाल देंगे, और इसे अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाने देंगे। फिर इसमें मैंने 5 से 6 प्याज बड़े बड़े ले लिए हैं, उसे थिनली स्लाइस कर लिया है, उसे डाल देंगे। और फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जिंजर और 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिया है, जिसे मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करके इसके छिलके को निकाल लेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ पल्प डालेंगे। और अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल करके इसे 5 मिनट तक प्रेशर कुक होने के लिए चढ़ा दूंगी, ताकि हमारा प्याज अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में प्याज मेरा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब मैंने इसमें 1/2 kg मटन लिया है, उसे डाल दूंगी, और इसे 5 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी और इसे 10 मिनट तक प्रेशर कुक कर लेंगे। 10 मिनट प्रेशर कुक हो गया है फ्रेंड्स, मटन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। थोड़ा सा पानी है इसमें, तो इसे हम भून लेंगे, ताकि हमारा मटन जो है बहुत ही टेस्टी और लजीज तैयार हो। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल इसके बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है, ये हमारा लगभग भून चुका है। वीडियो को स्किप ना करें फ्रेंड्स, एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालूँगी, जिससे इसका टेस्ट और भी सॉफ्ट और सटल हो जाएगा, और इसे हम तंदूरी रोटी या नान के साथ एंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ये हमारी ढाबे वाली मटन बन करके तैयार है। देखा फ्रेंड्स आपने, बिल्कुल घर के सारे इंग्रेडिएंट्स से बन करके तैयार हो गई। अब मैं इसके ऊपर धनिया पत्ती गार्निश कर दूँगी, और अब इसे सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक ज़रूर देखें, और अपने कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।